नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेपाल को लेकर दिया गया योगी आदित्यनाथ का बयान पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने नेपाल के नए नक्शे की मंजूरी के बाद नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ नेपाल को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो ये आलोचना की बात है, हम इसे नेपाल का अपमान समझते हैं। नेपाल ऐसी भाषा के लिए तैयार नहीं है। मैं योगी जी को याद दिलाना चाहूँगा कि हम इससे खुश नहीं हैं। कुछ समय पहले यूपी के सीएम योगी ने नेपाली सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि उसे अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। योगी ने नेपाल के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते का हवाला देते हुए कहा था, भारत और नेपाल भले ही दो देश हों लेकिन ये एक ही आत्मा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो सीमाओं के बंधन में तय नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार को हमारे रिश्तों के आधार पर ही कोई फैसला करना चाहिए। अगर वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।